कल तक भारत को आंखें दिखा रहा ट्रंप अब उन्हीं आंखों की पुतलियों को घुमा घुमाकर भारत की उस कूटनीति का विश्लेषण कर रहा है जिसने एक ही झटके में अमरीकी प्रशासन की हेकड़ी को बैकफुट पर ला दिया है। इससे पहले ट्रंप को लगता था कि जैसे वह दुनिया के देशों को अमरीका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करता है, भारत भी उसके आगे गिड़गिड़ाता नजर आएगा। पर ट्रंप ऐसी हठधर्मिता का प्रदर्शन करते हुए भूल गया कि यह 21वीं सदी का महान राष्ट्र भारत है, जो दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होने के साथ एक बड़ा बाजार भी है, एक ऐसा देश जिसकी तरफ दुनिया उम्मीदों से देख रही है। दरअसल अमेरिका की आंखों में भारत द्वारा रूस से खरीदी जा रही S-400 मिसाइल प्रणाली खटक रही है। अमेरिका को पता है कि चीन जैसे आक्रामक और विस्तारवादी देश के खतरे को देखते हुए यह भारत के लिए जरूरी है, लेकिन अमेरिका की ईर्ष्या इस बात को लेकर है कि भारत ने उसका थार मिसाइल सिस्टम क्यों नहीं खरीदा। मगर उसकी दिक्कत यह भी है कि वह साफ साफ कहने का साहस नहीं कर सकता। रूस के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दुनिया में अब तक सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणाली है। थार इसके सामने कहीं नहीं ठहरता, इसलिए दुनिया के हथियार क्रेता मुल्क अमेरिका के इस हथियार को खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अमेरिका भारत की इसी उदारता से चिढ़ा तो उसने भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली। मगर जैसा कि शुरू में कहा, यह भारत झुकता नहीं है बल्कि ऐसी धमकियों की काट भी जानता है और उनके सामने डटकर खड़े होने का सामर्थ्य भी रखता है। भारत ने रूस के साथ मिलकर अमेरिका की धमकी का जवाब तैयार कर लिया है। दोनों देश ने तय किया है कि अब अरबों डॉलर के इस रक्षा सौदे के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं के जरिए भुगतान करेंगे, यानी अब अमरीकी डॉलर को ही किनारे कर दिया गया है। दोनों देशों की इस सहमति से प्रतिबंधों और बैंकिंग पाबंदियों को लेकर अमेरिका की धमकी से पैदा हुए जोखिम को टालने में सफलता मिलेगी। एक दूसरे की राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान करने की व्यवस्था से भारत अब दो युद्धपोतों के लिए पहली किस्त जल्दी ही दे सकेगा। गौरतलब है कि रूस भारतीय नौसेना के लिए जंगी जहाज बना रहा है, पर मामला यहां इसलिए फंस गया था कि सौदा अमरीकी डॉलर में हुआ था और अमरीका इसे रोकने पर पूरी तरह उतारू था। लेकिन अब रूबल और रुपए में होने जा रहे इस लेन देन में अमेरिका केवल मुंह फाड़े देखता भर रह सकता है। इससे पहले भारत ने ऐसा ही कदम ईरान के साथ भी उठाया था, मगर इसी दौरान ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे भारत अपनी मुद्रा में ईरान से तेल नहीं खरीद पाया। भारत ने जिस तरह अमेरिका को धत्ता बताई है, उसकी वानगी भी देख लीजिए। इस व्यवस्था में रूस और भारत के सेंट्रल बैंकों के बीच बने एग्रीमेंट के तहत डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट रूबल और रुपए में फाइनल किए जाएंगे। दरअसल वर्ष 2017 में रूस के सरकारी हथियार निर्यातक रोसोबोरान एक्सपोर्ट पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। तब भारतीय स्टेट बैंक को हथियारों की खरीद के लिए रूस को भुगतान रोकना पड़ा। अब इस व्यवस्था से कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स में अरबों डॉलर रूस को मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल रूस को अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंस सेक्टर से सेल्स को कायम रखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। पिछले साल यह 19 अरब डॉलर रहा। इसके पीछे अमरीकी प्रतिबंध भी जिम्मेदार है। अमरीका ने हर उस देश को धमकी दे रखी है जो रूसी हथियार खरीदते हैं या प्लान कर रहे हैं। अमरीका एक बार ही सही चीन पर ऐसे प्रतिबंध लगा चुका है। अमरीका के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। साल 2014 से लेकर 2018 तक रूस के विदेशी हथियारों की डील्स में 17% की गिरावट दर्ज की गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस दौरान भारत और वेनेजुएला ने भी हथियारों की खरीद कम ही की। भारत की अमेरिका के साथ पार्टनरशिप अभी अभी बढ़ी है, जबकि रूस के साथ शीत युद्ध के समय से ही सामरिक संबंध रहे हैं। जब अमेरिका दबाव बना रहा है कि भारत रूस के साथ आधुनिक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने के 5 अरब डॉलर की डील को रद्द कर दे, उसने कड़ा कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। इधर नाटो मेंबर स्टेट तुर्की पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा है। उसने भी रूस से S-400 खरीदा है, जिसकी डिलीवरी शुक्रवार से शुरू हो गई। भारत को S-400 की डिलीवरी 2020 के बाद होनी है, मगर अमेरिका इस डील को रोकने में पूरा जोर लगा रहा है। पर उसकी धमकियों के आगे बिना डरे भारत अपने राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखकर यह खरीद कर रहा है। इसके लिए भारत ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे से सुरक्षा देने के लिए सरकार के नियंत्रण वाले एक रूसी कर्जदाता को डिफेंस इंडस्ट्री को फाइनेंस करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कर्जदाता भारत लेन देन में अहम भूमिका निभाएगा।
मतलब साफ है, अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों की धौंस देकर भारत की सुरक्षा को बलशाली होने से रोकने के लिए जो चाले चली वह सब धरी की धरी रह गई है। भारत की सरकार ने अपनी कूटनीति से उसे ऐसी मात दी है कि अमेरिकी प्रशासन को सूझ नहीं रहा है कि वह अब किस विकल्प का इस्तेमाल करे जिससे भारत को रोका जा सके। ऐसे में अगर अमेरिका भारत पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लागू भी करता है तो उनकी महत्ता ज्यादा प्रभावी नहीं होगी। मतलब अमेरिका को अपने प्रतिबंधों के तर्क से खुद ही घायल होने का खतरा सता रहा है, जबकि भारत बिना डरे बिना झुके तेजी से आगे बढ़ रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।